आज हम लोग ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। ट्रायंगल आखिर देखते हैं ये ट्रायंगल क्या होता है। तो ये ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखिए तो ट्रायंगल दो वर्ड से मिलकर के रूप बना है, ट्राई और एंगल। ट्राई मीन्स होता है थ्री और एंगल्स तो आपको पता ही है, एंगल्स की डिटेल्स स्टडी हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो अब यहाँ थ्री एंगल्स की स्टडी करते हैं। मतलब ट्रायंगल क्या होता है कि एक प्लेन फिगर, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है। तो ये तीनों लाइन सेगमेंट से ये देखिए ये क्लोज हो गया। तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल एक ऐसा प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर को आप 2D फिगर भी कह सकते हैं। 2D फिगर कहा जाता है, दो तरीके का फिगर होता है, 2D और 3D। D मतलब डायमेंशन, तो 2D एंड 3D। तो ये ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है, 2D फिगर है, मतलब ये प्लेन पे ही बनेगा। तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बन चुका है। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल्स की आखिर नेमिंग कैसे, नेमिंग करने का क्या प्रोसीजर है। जैसे अगर ये कोई चीज़ अगर बन गया तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे बच्चा अगर होता है, पैदा होता है, तो उसका नामकरण होता है, नाम लिखा जाता है। तो ऐसे ही ट्रायंगल अगर आपने बनाया तो उसका भी एक नाम होगा, और सबकी एक पैटर्न होती है, नेमिंग करने का तरीका होता है। आदमी का नाम आदमी की तरह ही रखते हैं, आदमी का नाम कुत्ता बिल्ली गाय नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अब ये ट्रायंगल आपके पास बन गया, तो इस ट्रायंगल की कुछ पार्ट्स, जैसे ये देखिए ये साइड है, ये आर्म्स है, ये भी आर्म्स है और ये है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो दो लाइन एक जगह से जहाँ पे कट करती है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हो गया, तो इस वर्टेक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। किसी भी कैपिटल लेटर से ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टेक्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कभी भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया नेमिंग करने का तरीका, ए बी सी या डी ई एफ पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में। तो इस तरीके से अब इसका नाम हो गया, हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी या ट्रायंगल बी ए सी, या हम इसको लिख सकते हैं ई सी बी। इसी तरीके से बहुत सारा नाम लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही होता है अभी सिंपल। तो ये हो गया आपके ट्रायंगल्स की नेमिंग करना, कि आपने ट्रायंगल्स की नेमिंग कैसे किया। अब हम आगे बात करेंगे इसके पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें ट्रायंगल में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, साइड, एंगल एंड वर्टेक्स। तो साइड में ये क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी एंड ए सी। ये ए बी, बी सी और ए सी ये साइड हो गए। ये यहाँ से तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये तीन एंगल आपके बन चुके। ऐसे ही वर्टेक्स क्या होता है, ए बी एंड सी, ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स होंगे। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल के तीन पार्ट्स हो गए। ये एंगल शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप एंगल ए को कैसे लिख सकते हैं, बी ए सी एस सी ए बी। ये एंगल्स वाले पार्ट में आपको पढ़ाया गया है, लाइन्स एंड एंगल में। तो यहाँ ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ट्रायंगल के टाइप, ट्रायंगल के टाइप की बात करेंगे, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के टाइप की बात करेंगे तो ट्रायंगल को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, बेस्ट ऑन साइड, साइड के बेसिस पे, और दूसरा होता है बेस्ट ऑन एंगल।
एंगल के बेसिस पे, उस साइड के बेसिस पे क्या हो सकता है कि या तो ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो या दो साइड इक्वल हो सकता है ना, तीनों साइड इक्वल हो या दो साइड इक्वल हो या कोई साइड इक्वल नहीं। तो अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल तो ये होता है आइसोसेलस ट्रायंगल, और अगर तीनों में से कोई साइड इक्वल नहीं हो तो ये होता है स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल, आईसीएलएस में दो साइड इक्वल दो एंगल इक्वल, और स्केलिन में कोई साइड इक्वल नहीं और कोई एंगल इक्वल नहीं, तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो इस तरीके से साइड के बेसिस पे तीन हो गया। अब एंगल के बेसिस पे तीन होता है कि एंगल में क्या हो सकता है, एंगल में हो सकता है 90 डिग्री एंगल या 90 डिग्री से तीनों एंगल छोटा हो, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, और जो तीसरे टाइप का होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ये ट्रायंगल की बेसिक्स थी। अब आगे इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है। तो हम लोग अगले क्लास में कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। थैंक यू।